जिलाध्यक्ष सुमित पवार जी, कृष्णा पंत जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण और इस यात्रा में जिन्होंने भाग लेना है आए हुए, ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो काफी दिनों से जिस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है और ये यात्रा एक हमारे लिए उत्सव होता है और जैसा मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने यात्रा के महत्व के बारे में और यात्रा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आने वाले श्रद्धालु जहां वो अपनी श्रद्धा आस्था से देवभूमि में आगमन करते हैं, वही हमारे लिए इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है और इस यात्रा के कारण से हमारी आजीविका चलती है, रोजगार का साधन चलता है। तो मैं इस चार धाम यात्रा की शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, मां गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि जैसा पिछले सालों में, पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्णी हो। भाइयों बहनों, मां पावनी गंगा के आशीर्वाद से इस बार की चार धाम यात्रा पिछले वर्ष के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से लोगों का आना, जिस प्रकार से लगातार हमारे जो पंजीकरण पोर्टल है उस पोर्टल पर 16 लाख की संख्या अभी तक अंकित हो गई है। 16 लाख लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यहां पर करवा लिया है और हम आने वाले प्रत्येक यात्री, प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सकुशल हो, उनके लिए सरल हो, सुगम हो और बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के हो, इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इसको लेकर इस बार हमने जो कि चारधाम यात्रा जहां 2022 की संपन्न हुई, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2023 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और इसकी तैयारियां मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार बैठकों के माध्यम से, लगातार हर स्तर पर, जानकारी के स्तर पर और जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं, जो पिछले सालों के अनुभव रहे हैं, जहां पर हमको कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु यात्रा समाप्त होने के बाद अपने घर को लौटे, तो जैसा अभी माता जी ने भी कहा, प्रेम जी ने भी कहा और हमारे सुबोध जी ने और आदरणीय चंदन रामदास जी ने, इस प्रकार से बहुत सारे यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का जहां आने वाले श्रद्धालु, आने वाले आस्थावान लोग उनका निश्चित रूप से पालन करते हैं, क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा ही इस यात्रा की मुख्य विशेषता है। तो ये जब यात्रा समाप्त हो और देवभूमि से जब ये श्रद्धालु अपने लौटकर अपने घरों को जाएं, तो उनको ये जरूर याद आना चाहिए कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर चार धामों के अंतर्गत यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी समय यहां पर बिताया है, जो भगवान की आस्था और श्रद्धा में अपना समय लगाया है, वो दिन उनको हमेशा हमेशा अपने जीवन में स्वर्णिम दिन लगे, यानी कि उन दिनों की उनको हमेशा याद आए, इस प्रकार का कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से प्रयास होना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है।
यात्रा में जितने भी लोग सहभागी होते हैं, मैं एक बात और कह सकता हूं कि देखिए यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर तो भगवान की कृपा है ही है, तभी ना आप लोग आए हैं वहां से। भगवान की कृपा है कि नहीं है बताइए जरा, दोनों हाथ उठा के। क्या बात है संदीप जी, बहुत ढीले हो। अरे यात्रियों के साथ आप भी सहयात्री हैं, जो लोग यात्रा करवा रहे हैं वो भी सहयात्री हैं। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है, और जो लोग यात्रा से जुड़े हैं या यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं या यात्रा में अपना अंश मात्र भी योगदान दे रहे हैं, वह सब भी सहयात्री के नाते उनको भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होने वाला है जितना कि जो है हमारे यात्रियों को प्राप्त होने वाला है। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा करवाने में सकारात्मक सहयोग करती है, और भी जितने भी संगठन जितनी भी संस्थाएं इस यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देती हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे यह बताया गया कि इस यात्रा के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आती हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न करवाने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि परिवहन संस्थाएं लगभग 70 वर्षों से जब पर्वतीय क्षेत्र में मार्गों का निर्माण व विस्तार तक भी नहीं हुआ था तब से यात्रा में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत कि उन्होंने निरंतरता से इस काम को बढ़ाया है। और इस अवसर पर मैं संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बाबा केदार का जो प्रांगण है, आप सबको मालूम है कि 2013 की आपदा में वो प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य, उसके नवनिर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ा है, और हमने ये लक्ष्य लिया है कि इस वर्ष 2023 दिसंबर तक इस काम को हम पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है, उसका भी हमने लक्ष्य लिया है कि आप इस वर्ष भी जाएंगे, बाबा केदार जाएंगे, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करेंगे, तो आपको नजारा थोड़ा बदला हुआ दिखेगा। यहां बाबा केदार का स्थान आपको नई केदारपुरी, भव्य केदारपुरी के रूप में दिखाई देगा, वही बाबा बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान संपन्न होने की ओर जा रहा है, वह भी आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा। सौंदर्यीकरण का काम वहां पर तेजी से चल रहा है, हेमकुंड